आपका क्या हाल है? बस बढ़िया है। बारिश का मौसम और मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है, तो बारिश हो रही है, जिसका कि हमारी जिम्मेदारी है कि मानसून कब तक प्रवेश करेगा, कब आएगा, बारिश कितनी होगी, ये हम जो है पूर्वानुमान जन सामान्य तक पहुंचा पाएँ आप लोगों के माध्यम से, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। सर बिल्कुल, और जिस तरह से आप अलर्ट जारी करते हैं तो उसे रंगों में परिभाषित करते हैं, ये हम दर्शकों के लिए जानना चाह रहे हैं कौन कौन से अलर्ट होते हैं और रंगों से कैसे परिभाषित होते हैं। देखिए, जो हम अलर्ट जारी करते हैं उसको हम रंगों के हिसाब से अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। चार प्रकार के रंग हम उसमें यूज़ करते हैं। एक होता है ग्रीन कलर का, हरे कलर का, इसका मतलब है कि कोई वार्निंग नहीं है। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं जहाँ पे वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई वार्निंग नहीं है। दूसरा जो है इसके बाद आता है येलो कलर। तो येलो कलर में आप ये देख सकते हैं कि येलो कलर का मतलब है बी अपडेटेड, मतलब आप जानकारी में रखिए कि यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बट जो प्रसाद यानी ये कह सकते हैं कि येलो अलर्ट है, यानी बारिश हो सकती है, उसकी संभावना है जी। आप इसको जानकारी में रखिए जी। इसके बाद आता है ऑरेंज। ऑरेंज में आप देखेंगे ऑरेंज जहाँ जहाँ पे भी हम वार्निंग के रूप में कलर में कोड करते हैं, तो ऑरेंज का मतलब है बी प्रिपेयर्ड, मतलब आप तैयारी किए रही है, तो मतलब एक स्टेप अप है, ये वार्निंग का एक स्टेप अप है कि आप तैयारी करके रखिए। और इसके बाद आता है रेड कलर। तो रेड कलर का मतलब ये होता है कि अब आप एक्शन लीजिए। तो ये जो हमारा जो वार्निंग है, ये हम डायरेक्ट पब्लिक के लिए तो कम होता है, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो आपदा प्रबंधन के लोग होते हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो सहायता के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, या और किसी तरीके की बाढ़ है या फिर जो भूस्खलन है या इस तरह की एक्टिविटी होने की संभावना रहती है, तो ये डायरेक्ट हम उनके लिए करते हैं कि अब आप जो है एक्शन ले सकते हैं या लेने के स्थिति में हैं। जी सर, ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या संभावना रहती है कि बारिश होकर ही रहेगी, क्या तेज बारिश यहाँ पर हो सकती है? देखिए, ये तो पूर्वानुमान है, बट हम जो है देखते हैं कि इस जिले में कितनी बारिश होने की संभावना है, उसके हिसाब से उसको हम कोड करते हैं। तो जब बारिश की संभावना 50 से 75% हो जाती है या 75 से 100 हो जाती है, तो जब लगता है कि यहाँ पर बारिश पिछले 2 दिनों में कितनी हुई है, जैसे लगातार यदि 2 दिनों में हैवी रेन हुआ है और तीसरे दिन भी बारिश होने की स्थिति है, तो ऐसे स्थिति में चूंकि लगातार बारिश हो रही है तो पानी का जो एक्यूमुलेशन है इकट्ठा होगा और नदियों में बाढ़ आने की संभावना रहेगी, या जो कच्चे मकान हैं या फिर जो रोड्स वगैरह हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, या जो छोटे छोटे पुल हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो हम उनके लिए ये चीज़ सावधानी बरतने के लिए और प्रशासन को तैयार रहने के लिए, प्रशासन को एक्शन लेने के लिए हम उनको एक प्रकार से जानकारी देते हैं, चेतावनी देते हैं। ये जो रंगों का वर्गीकरण आपने बताया, ये सिर्फ बारिश तक ही सीमित है या फिर गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तब भी इस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं? तब भी अलर्ट जारी किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग मौसम इन्हीं रंगों के साथ, क्योंकि हर मौसम में इनका अलग अलग प्रकार के वार्निंग होती हैं। जब बारिश का मौसम रहता है तो बारिश के लिए होता है वो, और बारिश का मतलब है कि बाढ़ से और जो भी और हो सकता है, जो नुकसान हो सकता है, जो कच्चे मकान टूट के गिर सकते हैं, जानवर बह सकते हैं, या किसी भी नदी नाले में जो है ना बाढ़ आ सकती है, इसके लिए है। जो गर्मी के सीजन होता है, तो गर्मी के सीजन में लू चलने की संभावना रहती है, तो लू भी एक प्रकार का जो है जो मनुष्य को इफेक्ट करता है, जो उसका जो दैनिक जीवनचर्या है उसको इफेक्ट करता है। तो जब एक प्रकार का जो तापमान में अधिकतम में बढ़ोतरी होने लगती है, तो जो कि एक लिमिट से ज़्यादा होने लगता है, तो हम वहाँ पर भी वार्निंग इशू करते हैं कि ये लू चलने की संभावना है, हीट वेव की संभावना है। तो उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं, एक मध्यम तीव्रता की लू है और एक अति तीव्र लू है, तो जिसमें तापमान काफ़ी ज़्यादा, जो कि सीधे उसके संपर्क में यदि हम बाहर गए
तो उसमें हमको नुकसान हो सकता है, उसके लिए भी हम लू की वार्निंग इशू करते हैं। ऐसे ही देखेंगे तो हम विंटर सीजन में सर्दियों के समय में जब तापमान बहुत कम हो जाता है, तो तापमान कम होने पे ओला और पाला पड़ने की संभावना होती है। तो जब 0 डिग्री या 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान की स्थिति बनती है न्यूनतम तापमान में, तो वहाँ पर किसानों का जो है सीधा फसलों से संबंध होता है कि वहाँ पर वो ओला और पाला पड़ने की संभावना होती है, और ये ओला और पाला जो है उनको फसलों को सीधे सीधे नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे समय में हम विंटर सीजन में भी इस तरीके की वार्निंग इशू करते हैं। इस तरह की वार्निंग है जो है यहाँ से इशू करते हैं, और ये रंग बताते हैं कि चाहे बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, किस तरह उसका इफेक्ट रहेगा, कितना इफेक्ट है, उसको वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। चलिए, हमारे दर्शकों को हमने जो बारिश को लेकर फिलहाल अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, कहीं येलो अलर्ट है और कहीं आने वाले समय में रेड अलर्ट भी जारी किया जाएगा। अब चलते हैं लोगों के बीच, वो इस रंग को क्या समझते हैं, और फिलहाल हम ये भी देखेंगे कि शहर में बारिश की क्या स्थिति है। समय मध्य प्रदेश में बात की जाए तो कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और लोग जूझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और चलिए उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है। बारिश अभी क्या ठीक ठाक चल रही है? ठीक है। अच्छा, बारिश को लेकर अलर्ट जारी हो जाता है, ऑरेंज है, येलो है, रेड अलर्ट है, इसके मायने क्या होते हैं, कुछ बता पाएंगे हमको? अच्छा, जानकारी नहीं मुझे। नहीं है तो आपको ये मतलब ऐसे ही आप समझेंगे कि कितनी तेज़ बारिश है या कम बारिश है, उससे जल्दी समझ में आता है? जी, समझ आता है। रेड अलर्ट तो समझते होंगे ना? समझ आता है सर। रेड अलर्ट में क्या है कि पानी बहुत तेज़ गिरने वाला है, ऐसा चेतावनी देते हैं। ऑरेंज अलर्ट में क्या है, मीडियम रहता है और बाकी ऐसा। हाँ, तो ये चेतावनी आप लोगों के लिए देती हैं या फिर प्रशासन के लिए कि अलर्ट हो जाए? भी चेतावनी देता है, रेड अलर्ट होगा वो सब पानी गिरता नहीं है, ऐसा होता है? हाँ, होता है, नॉर्मली तो होता है, देखिएगा। अच्छा, और बारिश कैसी चल रही है इन दोनों? अभी 2 दिन से, खैर हम लोग तो भिलाई से आए थे यार ट्रेनिंग में, जब से आए तब से पानी गिरी है, 1 हफ्ता हो गए। चाय चल रही है अभी, मौसम बड़ा ठंडक है यहाँ पर। यस सर। कितने दिन हो गए यहाँ पर? हमको आए हुए अभी 5 दिन हो गए, कल तक है। कैसी बारिश है भोपाल में? भोपाल में 2 दिन से हो रही है सर, पानी गिरी है। और ये भिलाई में? भिलाई में आज बंद हो गया है, बाकी 4 दिन से खूब पानी है। अपडेट है आप कंटिन्यू? हाँ यस सर, रोज घर पे बात करते हैं। हाँ, घर में बात करते हैं। ठीक ठाक है वहाँ पर भी बारिश? हाँ सब ठीक है सर। ठीक है, आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। छत्तीसगढ़ से आए हैं मध्य प्रदेश में? जी सर, जी सर। छत्तीसगढ़ में क्या हाल है बारिश का? बहुत ही बारिश हो रही है सर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी सर, जी सर। मध्य प्रदेश में ज्यादा है क्या? नहीं सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में समान ही बारिश हो रही है। कुछ कुछ बारिश को लेकर आप कुछ जानना चाहते हैं, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो कि क्या होने वाला है, देखते हैं क्या? सर कभी कभी जो है अखबार पढ़ लेते हैं, अभी समय नहीं मिलता है। तो कभी कभी लिख दिया जाता है या टीवी पे चला दिया जाता है येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, तो इसके मायने समझते हैं आप? सर थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। येलो अलर्ट मतलब सर वो भारी बारिश की संभावना है। अच्छा जी सर। वो रेड अलर्ट में? सॉरी, रेड अलर्ट में भारी बारिश, येलो में कम बारिश मतलब मीडियम। एक ऑरेंज अलर्ट भी होता है? ऑरेंज मतलब सर थोड़ा थोड़ा बारिश हो गया। तो आप ये शब्द देखते हैं येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, या फिर आप इस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि कहाँ ये लिखा हुआ है तेज़ बारिश हो सकती है, कहाँ कम बारिश हो सकती है? ये सर समाचार में टीवी में देखते रहते हैं सर, उसके द्वारा। क्या देखना पसंद करेंगे आप, रंगों वाला या फिर ये हिंदी में लिखा रहता है? और ये जो है शुद्ध हिंदी में लिखा रहता है वो ठीक रहता है सर, इसको आसानी समझते हैं। जी जी सर। चलिए देखिए, हम जो हमारे दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं और ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दिनों जो अलर्ट को लेकर लोग किस तरह से लेते हैं और उसे कितना उससे अवेयर हो पाते हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से सर्विस करते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, अब इन दोनों तो बारिश का दौर चल रहा है? हाँ सब चल रहा है ना, चल रहा है। थोड़ी शांति मिल गई है, पानी पड़ गया तो थोड़ी बेचैनी खत्म हो गई। बेचैनी खत्म हो गई? बहुत ज़्यादा तेज़। हम तो थोड़ा सा गरीब आदमी, तो पूछो वो कैसे बैठते होंगे। गर्मी बहुत तेज़ अब? बहुत अतीज ज़्यादा ही थी, उमस भी थी, गर्मी भी थी, और कोई गरीबों को सबसे यार राहत मिली है। अपन तो अगर ऑफिसों में बैठ जाते हैं यार, गरीब का यार बता, उनको वो भी तो इंसान है। बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया जाता है मौसम केंद्र की ओर से, आप उसको लेकर जागरूक रहते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है? नहीं देखते हैं ना, सबको नहीं देखते।
देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल देख। अब क्या होने वाला है, क्या कोई जानकारी है आपको? अच्छा ही होगा, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल अच्छा ऐसा तो नहीं बहुत भारी बारिश होने वाली हो अभी? वो भी अच्छा ही होगा, बारिश ही बारिश तो होगी होगी। इस बार ये भी कहा गया है कि नौतपा में खूब हल्की हल्की बारिश हो गई थी, पानी आएगा फिर तो नौतपा ही खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसा ही हुआ है ना नौतपा में तो? हाँ हुआ है। क्या बारिश अच्छी होगी? बारिश बहुत बढ़िया होगी। फिर भी होगी? बिल्कुल बढ़िया होगी, बारिश होगी। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। आप क्या करते हैं? सर मैं प्रेस में हूँ। अच्छा। और साहब क्या बारिश क्या कह रही है? बारिश अच्छा अच्छा मौसम चल रहा है बस। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अभी कहीं रेड अलर्ट जारी हुआ है क्या बारिश को लेकर? नहीं सर अभी तक जानकारी नहीं मेरे पास। नहीं है तो आप कहाँ अखबार में देखते हैं कि टीवी पे देखते हैं क्या होने वाला है? वैसे तो मैं पेपर पढ़ता हूँ। पेपर में अब तक नहीं छपा कि रेड अलर्ट जारी हुआ? नहीं हुआ। देखा नहीं है। नहीं देखा। तो हल्की फुल्की बारिश होगी? हल्की फुल्की तो चली रही है। मतलब वो जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रही। भाई जैसे 3 दिन अभी पानी गिरा है उस हिसाब से पानी गिर नहीं पा रहा, धीरे धीरे। बारिश ऐसी रिमझिम होनी चाहिए ना? रिमझिम तो खैर नहीं होना चाहिए, होना तो उसी हिसाब से चाहिए। रिमझिम में क्या पानी नीचे थोड़ा सा नहीं जा पा रहा। रिमझिम में? हाँ थोड़ा कि रिमझिम वाला पानी नीचे जाता है ना, वो तेज वाला तो नदी नालों में बह जाता है। सुबह से ही देख रहे हो थोड़ा सा आया चला गया, उसके बाद में फिर कल भी देखा थोड़ा आया फिर चला गया, कम से कम इतना तो होगा कहाँ थोड़ा बहने लगे उसके बाद में। अब ये से मान लो कल धूप निकले आई या परसों धूप निकले आई तो फिर क्या करेंगे? आपके क्या हाल है साहब? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? आप क्या करते हैं? मैं सर्विस ही करता हूँ। जी सर्विस करते हैं। अच्छा सर्विस करते हैं साथ में। आप भोपाल के रहने वाले हैं? बाहर से भोपाल से ही हैं। बारिश में दिक्कत तो नहीं होती आने जाने में? नहीं दिक्कत क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती दिक्कत? जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ बिल्कुल दिक्कत होती है। क्या बारिश अभी 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी पानी अच्छा ज़्यादा भर गया था पानी। क्या आपकी कॉलोनी भर गया था? कॉलोनी में पानी अच्छा हो गया था। अभी साहब बारिश शुरू हुई है? हाँ अभी बीच में 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें पानी अच्छा गिरा था, उस टाइम हो गया था। अब नगर निगम ने नाली वाली साफ नहीं करी हुई इस कारण पानी भर गया। अभी सफाई हो गई क्या? हाँ अभी तो फिलहाल तो कर दी, आप सफाई कल ही करी, सफाई तो कल ही हुई है। यानी बारिश आने के बाद चेता नगर निगम बात हुई है, एक हफ्ते पहले करा था और अभी परसों ही करा था। अब तो नहीं भरेगा? अभी तो आप देखते पानी का है, कोई बहुत भरोसा नहीं है। अब ये बड़ी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि जो तैयारी की जाती है बारिश पूर्व की तैयारी की जाती है और जो मौसम के पूर्वानुमान जारी करता है कि साहब तैयार हो जाएं, आप अलर्ट हो जाएं, आपके शहर में बारिश शुरू होने वाली है या बहुत तेज होने वाली है, तैयारी तो पहले से होना चाहिए ना? पहले से होना चाहिए ना? हाँ होना तो ठीक है, वो गवर्नमेंट है या नगर निगम करे तो ठीक है। और क्या? आप देखिए बारिश पूर्व की जो तैयारियां हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है, चाहे हम बिजली विभाग की बात करें या फिर नगरीय निकायों की बात करें, तो पोल जरूर खुल जाती हैं। हालांकि मौसम केंद्र पूर्वानुमान जारी कर देता है कि कुछ समय बाद अब मानसून आना है, प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, मानसून आने वाला है, मानसून आ चुका है और भारी बारिश हो सकती है, ये तमाम जो पूर्वानुमान मौसम केंद्र जारी करता है। भैया क्या हाल है आपका, चाय कैसी चल रही है? हाल कैसा है? ठीक है। बारिश में चाय का दौर बढ़ जाता होगा? हाँ बढ़ जाता है, गर्मी में कम हो जाता है। अभी ठीक ठाक चल रहा है कि अभी? ठीक है, 2-4 दिन बारिश अच्छी गिर गई है, ये तो बाहर कम बारिश गिर रही है तो थोड़ी ठंडक हो गई अच्छी, तो लोग चाय की चुस्कियाँ तो लेने आ ही रहे होंगे। सरकारी डिपार्टमेंट है, कभी लोग कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं। ऐसा चलता रहता है। अभी तो छुट्टियाँ चल रही ना ईद की? हाँ तो छुट्टियाँ भी चल रही, चलिए हम शहर में और आगे चलते हैं और वहाँ पर लोगों का हाल जानेंगे। इसके साथ ही बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया जाता है उसको लेकर लोग कितने अवेयर हैं ये भी हम जानेंगे। चलिए और शहर में चलते हैं और लोगों से बात करते हैं बारिश के रंगों को लेकर। क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है जी। आप भोपाल के रहने वाले हैं आप? जी। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए जाते हैं, कभी येलो हो जाता है कभी रेड, क्या मायने इनके? देखिए येलो में तो ये है कि एक ये दिया जाता है कि बारिश हो सकती है, रेड में ही रहता है कि भारी बारिश की संभावना है, एक चेताया जाता है कि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, तो मौसम विभाग का अपना एक आकलन होता है वो देता है और लोगों को सचेत करता है। प्रशासन भी इस तरह से गाइडलाइन जारी करता है कि लोग संभल जाएं, अगर कहीं कोई दिक्कत है परेशानी है प्रशासन जुट जाए उसके लिए। तो ये एक लंबे समय चल रहा है
और ये लोगों को कहते हैं इसको जागरूक भी करता है। आज लोग जान गए हैं, जैसे ही आता है लोग समझ जाते हैं कि आने वाला पल खतरनाक हो सकता है, रेड अलर्ट है तो लोग कहीं दूर जा रहे हैं, रुक जाते हैं, अपनी यात्रा का स्थगित कर देते हैं। और सामान्य में वो ठीक है, सामान्य है तो अपना कार्य कर सकते हैं, तो ये एक तरह से ये जागरूक करते हैं। ये जो पूर्वानुमान होता है बारिश का, सभी दूर पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी कई डिपार्टमेंट्स की है, तो होना ही चाहिए ये पूर्वानुमान। हाँ, होना चाहिए, ये काफ़ी लाभदायक है, ये आम नागरिक से लेकर किसान से लेकर हर किसी के लिए लाभदायक है ये, क्योंकि आदमी जब मालूम होता है तो आदमी उस तरह से अपने आप को तैयार कर लेता है, चाहे अगर कहीं बाहर जा रहा है कोई, अगर मजदूर जा रहा है या किसान जा रहा है, खेती का पर्पज़ है, अब ये धान की खेती होनी है तो किसान को यह था यहाँ बारिश होगी, जैसे अभी मौसम ऐसा रहा लोगों के दिमाग में ये था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम विभाग ने जब किया और बारिश भी हुई तो लोगों को लगा कि नहीं यार बारिश होगी, तो लोगों ने राहत की सांस ली, कि सब खासतौर किसानों ने, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, होना चाहिए। बारिश का जो मौसम केंद्र है पूर्वानुमान जारी करता है, मतलब ये हो सकता है, संभावना है, लेकिन कई बार समझते हैं कि नहीं साहब ऐसा ही होना चाहिए, और लोग फिर सवाल उठाने लगते हैं कि देखो वो पूर्वानुमान जारी किया गया था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन उद्देश्य रहता है मौसम केंद्र का कि ऐसा हो सकता, संभावना होती है, कई बार सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी कभी कभी तीखी आ जाती है। देखिए क्या है कि संभावनाएँ या मौसम विभाग जो भी अलर्ट देता है वो मौसम जो उनके गतिविधियाँ रहती है उसके आधार पर देता है, कई बार पानी गिरता है, लेकिन भोपाल शहर बहुत बड़ा है, पानी की उन्होंने संभावना दी कि पानी गिरेगा तो हो सकता है बैरागढ़ में गिरा या पुराने शहर में गिरा या नए शहर में गिरा, पानी गिरता है, लेकिन अब आदमी ये सोचता है कि साहब ये आया था कि पानी गिरेगा तो पूरे शहर में पानी क्यों नहीं गिरा। हाँ, रेड अलर्ट को लेकर जरूर उनकी संभावनाएँ एग्जैक्ट रहती हैं कि नुकसान होगा या तेज़ बारिश होगी तो होगी, उसमें ये है कि भाई संभावनाएँ से प्रकाशित होने से या पूर्वानुमान से आदमी नुकसान से बच जाता है, अपनी व्यवस्थाएं बेहतर करके रखता है, कहीं जाना है आना है जो भी उसके हिसाब से, तो इसलिए संभावनाएं संभावनाएं हैं, कई बार सही होती हैं, कई बार डिले हो जाती हैं, संभावना, इसलिए संभावना शब्द है ये। तो आप देख पा रहे हैं कि पूर्वानुमान कई तरह के हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो जितनी तैयारियां होना चाहिए थी उतनी तैयारियां नहीं हुई है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, लोगों से समझते हैं बारिश के रंगों को लेकर, अलर्ट के रंगों को लेकर। चलिए और लोगों के बीच फिर चलते हैं, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है। बढ़िया है, बड़ी। क्या करते हैं आप? टीचिंग करते हैं। अच्छा, टीचिंग करते हैं आप, टीचर हैं जी। बारिश कैसी है अभी? सर मीडियम चल रही है अभी, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। ज़्यादा नहीं हो रही जी, मीडियम ही चल रही है जी, मीडियम चल रही है। अभी नौतपा की बात करें तो नौतपा में बारिश हो गई थी जी। आम धारणा है कि जब नौतपा में बारिश हो जाती है तो आगे बारिश नहीं होती, हालांकि मौसम केंद्र नहीं मानता है। आप क्या मानते हैं? ऐसा पहले लोग बताते थे कि अगर तपे में बारिश हो गई तो कम बारिश होती है, तो ये सच है क्या? अब ये अपन सच नहीं मान सकते इसको, क्योंकि कुछ आप सालों की बात करें तो कुछ आकलन तो आपने किया होगा कि पहले सच नहीं, ऐसा जैसे बारिश पहले तपे में हो गई फिर बाद में भी बारिश अच्छी हुई, अभी 2 साल से अच्छी कंटिन्यू बारिश हो रही है। अच्छी हो रही है जी। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार उम्मीद है कि बारिश अच्छी होगी। यानी लोगों की भी जिम्मेदारी है और लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। मौसम के अलर्ट जारी करता है, आपको जानकारी है कौन कौन से अलर्ट जारी करता है? नहीं सर, नहीं जानकारी। तो आप कैसे पता लगता है आपको कि बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है? सर ये मोबाइल पे आजकल ऑनलाइन सब सर्च हो जाता है, कितने परसेंट बारिश होगी, कितने परसेंट चांस हो गए सब। आप देखते हैं मोबाइल पर? बताना कैसे देखते हैं आप? सर्च कर लेते हैं जी, सर्च कर लेते हैं क्लाउड पे जाके, 2D क्लाउड भोपाल डाल के पता चल जाता है लोकेशन पे कि 90% बारिश होगी, 80% होगी या 30% बारिश होगी, ये अनुमान होगा कितने टाइम से होगी, 2 बजे से होगी, 3 बजे से, ये सच होता है। ये सच होता है जी, मतलब जो आकलन जारी किया जा रहा है लगभग सच हो रहा है जी। जी आकलन लगभग सच हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो भोपाल के लोग हैं काफ़ी जागरूक हैं और मोबाइल पर, उनके मोबाइल पर बारिश का अलर्ट है और लोग ये अलर्ट को लेकर तैयार भी रहते हैं कि जब तेज़ बारिश होगी तो क्या करना है, जब कम बारिश होगी तो क्या करना है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। यहाँ कैसे? सर पेपर है आज जी, बच्ची का पेपर है आज। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? उमरावगंज। उमरावगंज से। बारिश? बारिश को सर पता नहीं, हो भी जाए नहीं भी हो। तो आपने अखबार में या टीवी पर नहीं देखा आज होगी कि नहीं होगी? नहीं देखा तो है सर, वो तो मौसम है, वो तो बंदे को मौसम है और बारिश हो गई मान लो, फिर कैसे जाएंगे घर आप? सर बाइक है उससे चले जाएंगे, अब भीग के जाएंगे क्या है। तो आप वो रेनकोट वगैरह कुछ नहीं लाएगा? लाएं जी, साथ में लेकर चलते हैं। यानी तैयारी है आपकी भी, बारिश आएगी तो आपके पास है रेनकोट? नहीं है। नहीं है, बारिश आएगी नहीं, बारिश हो ही नहीं रही तो रेन की जरूरत नहीं होगी अभी, कोई आसार ही कम दिख रहा।
लेकिन बादल तो छाए हुए हैं, अभी दो घंटे बाद चले जाएंगे, दो घंटे में कोई बारिश के आसार नहीं नहीं है नहीं। आप ये मान के चल रहे हैं? मतलब दो घंटे में बारिश नहीं होगी? नहीं होगी। तो साहब देखिए, बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किए जाते हैं, जो रंगों के अलर्ट हैं, उनके मायने क्या हैं, अलर्ट किसके लिए जारी किए जाते हैं और लोग कितना समझते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर हमने चर्चा की। लेकिन एक बात निकलकर सामने आई कि बारिश पूर्व की तैयारियां लोगों ने कर रखी हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां हुई हैं, लेकिन ये तैयारियां फिलहाल नाकाफ़ी नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से जो लोग बता रहे हैं कि और अधिक तैयारियों की आवश्यकता है, इसके साथ ही हम आपसे ये भी अपील करते हैं कि मौसम केंद्र जो अलर्ट जारी करता है, जो आपने उसके मायने समझे, उन अलर्ट के हिसाब से प्रशासन भी अलर्ट जारी करता है, लेकिन आप भी तैयार रहें कि कब कौन से अलर्ट में कितनी सावधानी बरतना है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।